हाय, माय नेम इज समाद अली और हमारे कोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के आज का जो टॉपिक है वो लेआउट से रिलेटेड है। लेआउट्स की थ्योरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जिसको हम सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं विद सिंगल एक्टिविटी, तो हमारे पास कुछ इस तरह का XML कोड लिखा हुआ आता है। उसके अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाके देखें तो हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन व्यू इसका नज़र आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, तो आप इनको अपनी मर्जी से जहाँ आपको दिल करे वहाँ प्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है उसको हम कंस्ट्रेंट लेआउट भी बोलते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव लेआउट की तरह ही होता है, लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। समहाउ यहाँ पे जो आपके पास बटन हमने प्लेस किया है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ डिफाइन हुई हैं कि एक्स एक्सिस पे वो उसकी पोजीशन क्या होगी और वाई एक्सिस पे क्या होगी। तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं और हम इसको किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट भी इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू है वो पेरेंट के अलॉन्ग जो है वो अलाइन हुआ हुआ है। उसका जो टॉप है वो पेरेंट के टॉप के साथ मैच कर रहा है और बॉटम पेरेंट के बॉटम के साथ मैच कर रहा है। इसी तरह लेफ्ट जो है वो पेरेंट के लेफ्ट के साथ और राइट जो है वो पेरेंट के लेफ्ट के साथ। लेट्स से अगर मैं यही बटन जिसकी मैंने सारी लेआउट की प्रॉपर्टीज़ हटा दी है, अगर मैं ये चाहूँ कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हेलो वर्ल्ड के नीचे आए, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा कि लेट्स से मैंने इसका जो चार मुझे यहाँ पे बबल नज़र आ रहे हैं इन बबल्स को मैं मिला दूँगा पेरेंट के साथ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली नीचे आए, तो मैं इसको यहाँ से मैं इसके बबल को लेट्स से इसके बॉटम के साथ मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसके बॉटम को पेरेंट के बॉटम के साथ मिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से अपनी जगह पे ये आ गया है। यहाँ पे कुछ मैंने इसको ड्रैग किया था तो इसने इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन ऐड कर दी है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन आ गई थी। अगर मैं इसको यहाँ पे भी इसको इसके साथ नती कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अब मुझे उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ मार्जिनल टॉप आ रहा है, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो ये बॉटम और उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको इसके अगेंस्ट इसको अरेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं एक नया कंपोनेंट ऐड करना चाहता हूँ जो कि इसके हेलो वर्ल्ड के राइट पे हो, तो मैं एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। लेट्स इसका टेक्स्ट दे देते हैं हम और इसको दे देते हैं बटन टू। तो मैं लेट्स से इस बटन को इसके राइट साइड के ऊपर मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस बटन की जो राइट है इसको इसके लेफ्ट के साथ मिला देता हूँ। तो आप देखेंगे ये बटन ऑटोमेटिकली इसके साथ मूव कर गया। लेट्स से मैं इसके बॉटम को इसके बॉटम के साथ मिला देता हूँ तो आप देखेंगे उसके साथ ही अलाइन हो गया है और ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ गया है। अगर मैं इस बटन के राइट को पेरेंट के राइट के साथ मिला देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर सेंटर लाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं बड़ा इजीली हमने जो है ना जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं और उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से जो है ना हम अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक लेआउट होता है, उसको हम लीनियर लेआउट कहते हैं। लेट्स से मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा देता हूँ और उसकी जगह पे लीनियर लेआउट लगा देता हूँ।
जैसे ही मैं लीनियर लेआउट यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो हॉरिजॉन्टली प्लेस हो गए हैं और जो कंस्ट्रेंट लेआउट के जो हमने सेट किए थे पैरामीटर्स वो उस पर अब बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लगे होने से या ना लगे होने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनको अगर मैं हटा भी दूँ तो उससे फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, अब मैं अगर यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करके वर्टिकल कर दूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकली अरेंज हो गए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्रेविटी को सेट करूँ, लेआउट ग्रेविटी को सेट करना था, दो तरह की ग्रेविटी होती है, एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होती है और उस दूसरी जो है वो लेआउट की ग्रेविटी होती है। तो लेआउट ग्रेविटी से मुराद ये कि पेरेंट के कहाँ पे ये अलाइन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेविटी के अंदर ये डिफरेंट तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, सेंटर, बॉटम और व्हाटएवर जो भी है। मैं इसको लेट से सेंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सेंटर में आ जाएगा। दूसरी जो आपने ग्रेविटी देखी है वो बेसिकली उस कंपोनेंट के अंदर जो उसका कंटेंट है उसकी ग्रेविटी को डिफाइन करता है। लेट्स से यहाँ पे हमने इसकी विड्थ रैप कंटेंट की है, मैच पेरेंट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है वो पूरी स्क्रीन जितनी जगह ले रहा है। तो अब अगर मैं इसकी ग्रेविटी सेट करता हूँ सेंटर तो उसमें जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन हो जाएगा। कंपोनेंट कंप्लीट जगह ले रहा है लेकिन उसका जो उसका कॉन्टेंट है वो सेंट्रल लाइन होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा जो लीनियर लेआउट है वो वर्किंग करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास जो टेबल लेआउट। टेबल लेआउट लेट से मैं इसके नीचे भी डिफाइन कर सकता हूँ, यानी कि कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कोई भी डिफाइन हो सकता है, सॉरी लेआउट के अंदर भी लेआउट डिफाइन हो सकता है, तो हम उसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट से मैं टेबल लेआउट डिफाइन कर लेता हूँ, लेट से मैं भी उसको कहता हूँ मैच पेरेंट और हाइट इसको कह देते हैं रैप कंटेंट। और यहाँ पे चूँकि हमने इसको जो हमारा लीनियर लेआउट है उसको मैच पेरेंट कहा हुआ तो इसका मतलब वो हमें विजिबल नहीं होगा, तो उसको भी फिलहाल रैप कंटेंट कह देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो लीनियर लेआउट की हाइट डिफाइन हो गई है। इसी तरह जब हमने टेबल लेआउट को डिफाइन कर दिया उसको अब हम क्लोज करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दिया था। ठीक है जी, तो उसके बाद हम इसके अंदर टेबल रो ऐड करेंगे। टेबल रो में भी सेम इसी तरह हाइट ठीक है जी। अब इसके अंदर हम जो भी कंपोनेंट ऐड करते जाएंगे वो हमारा एक कॉलम की सूरत में आता जाएगा। लेट से मैं इसके अंदर एक बटन ऐड कर देता हूँ और उसके बटन का हम टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं B1 और लेट से उसकी हाइट रैप कंटेंट और वेट भी हम रैप कंटेंट डिफाइन कर देते हैं। लेट से मैंने 3 बटन डिफाइन कर दिए तो ये एक तरह से 3 कॉलम बन गए। इसी तरह अगर मैं इस रो को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल हमारे पास रोज कॉलम डिफाइन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसकी विड्थ उसके जो अरेंजमेंट है उनको डिफाइन कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे हम इसका वेट जो है वो हर बटन का वो 1 सेट कर दे, तो अगर आप देखेंगे तो 1 बटन का वेट सेट करने से जितनी स्पेस थी अवेलेबल उसने ले ली, एक्वायर कर ली। और अगर मैं सबका बटन का वेट 1 कर दूंगा तो सारे बटन इक्वली स्पेस एक्वायर कर लेंगे। तो ये वेट का जो
है एट्रीब्यूट, वो आप टेबल लेआउट में भी यूज़ कर सकते हैं, लीनियर लेआउट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप लीनियर लेआउट के अंदर फर्दर एक लीनियर लेआउट को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लो लेआउट में हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि सिंगल कंपोनेंट आता है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट नहीं आता, तो उसको तो मेरा ख्याल डिस्कस करने की खास ज़रूरत नहीं है। जो हमारा रिलेटिव लेआउट है वो अब ज़्यादा रिलेटिव नहीं रहा कंस्ट्रेंट लेआउट आने की वजह से। और इसके बाद हमारे पास एक जो व्यू है वो हमारे पास स्क्रॉल व्यू है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। स्क्रॉल व्यू का हमें क्या फ़ायदा होता है, स्क्रॉल व्यू के अंदर हमेशा एक चाइल्ड आता है, एक से ज़्यादा सिबलिंग नहीं हो सकते, उसके अंदर एक रूट नोड होगी, फर्दर उसके अंदर जितने मर्जी चाइल्ड हो। लेट से मैं जो मेन हमारा है इसको मैं स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल देता हूँ, स्क्रॉल व्यू। और ये जो हमारे रूट नोड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसमें ऐड कर देता हूँ, और ये भी हमारा रूट नोड का एट्रीब्यूट है, इसको भी इसमें से निकाल के यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और स्क्रॉल व्यू पॉइंट पे जाके मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी हाइट भी डिफाइन कर देते हैं जो कि मस्ट है। हाइट HEIGHT हाइट जो रिक्वायर्ड है उसको मैच करेंट कर दिया, और विड्थ को भी हमने लेट से मैच करेंट कर दिया। तो अब लेट से अगर कोई कंपोनेंट्स जैसे ये मैं लीनियर लेआउट में ऐड कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिए, तो ये हमारी स्क्रीन से बाहर भी जा सकते हैं। सॉरी, आईडी सबकी सेव हो गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा, हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। सिंपल यहाँ से मैं ये वाला जो बटन है हमारा इसको उठा लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, इसमें आईडी भी डिफाइन नहीं है, और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट कर लेते हैं। रेप्लिकेट करने का पर्पज़ ये है कि आपको बस ये दिखा सकूं कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो स्क्रीन की जो उससे बाहर आ चुके हैं। लेट्स से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास एक एमुलेटर है उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली जो सारे बटन हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगे, तो उन बटन्स को देखने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे। तो अगर हमने स्क्रॉल व्यू को यूज़ नहीं किया होगा तो फिर ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें विजिबल नहीं होंगे, जो हमारी स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर स्क्रॉल व्यू इम्प्लीमेंट है तो जितने भी एलिमेंट्स स्क्रीन से बाहर जाएंगे वो हमारे लिए विजिबल होंगे। जी, यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होकर एमुलेटर में आ गई, और आप देख सकते हैं कि जितने हमने बटन ऐड किए थे वो सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। स्क्रॉल व्यू के ज़रिए से हम उसको स्क्रॉल करके नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी स्क्रॉल व्यू को यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम इसमें से कोई भी एलिमेंट को, लेट्स से मैंने इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं ऐसे जो मेरे एलिमेंट हैं उनको यहाँ तो देख नहीं सकूँगा, या फिर उस स्क्रीन के अंदर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा जितनी मेरी स्क्रीन की साइज़ है, जो कि किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बहुत सारे जो बटन हैं उसको स्क्रीन के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनका साइज़ इतना कम हो गया कि वो विजिबल ही नहीं रहे, तो दैट्स वाई जो है वो मुझे अब नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपने जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से देखना है कि जहाँ कहीं आपको स्क्रॉल व्यू की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपने इसको यूज़ करना। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।